हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, ग्रुप डी का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे साथी खुश हुए होंगे, बहुत सारे साथी परेशान हो गए हैं। जब भी रिजल्ट आता है, कोई भी एचएसएससी कोई स्टेप आगे बढ़ाती है, तो कुछ ना कुछ परेशानी लेके आती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां साथ में लेके आती है। तो मैंने आपको परसों एक वीडियो बनाई थी, उसमें कहा था कि ग्रुप डी वाले बच्चे भी तैयार रहें परेशानियों का सामना करने के लिए। कुछ बच्चे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन बचे हुए बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि एचएसएससी ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें कोई ना कोई बच्चा परेशान ना हो। तो यदि आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, आप अपनी जगह पे सही हैं और आपका स्कोर ज्यादा बन रहा है, आप सिलेक्शन जोन में आने चाहिए थे, तो आप एचएसएससी ऑफिस जाइए, एप्लीकेशन लिख के आइए। वहां पे लिखित में आप अपनी एप्लीकेशन दर्ज कराइए और वहां से अपना एक डायरी नंबर ले लीजिए। यदि आपका कुछ टाइम में, मतलब वो आप वहां को सेटिस्फाई जवाब ना मिले, तो आप कोर्ट केस कर दीजिए, यही समाधान है। यदि बहुत सारे बच्चे इसी विषय को लेकर मेरे पास बार बार मैसेज भेज रहे ताऊ जी कि मेरे कट ऑफ से ज्यादा नंबर है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं उनको सभी को एक एक यही सलाह दे रहा हूं। लेकिन मैं सभी के जवाब भी नहीं दे पा रहा हूं, कम से कम भी 1,000 से ज्यादा कॉल मेरे पास अभी मिस कॉल में आई हुई है। 1,000 से ज्यादा कॉल मिस कॉल में आई हुई है, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे आप पूछो मत, इतने मैसेज आए हुए हैं। और भाई, ये बच्चे, इनकी जो परेशानी है वो एचएसएससी जल्द से जल्द दूर करे, क्योंकि ये अपने हक के लिए काम कर रहे हैं, अपने हक के लिए इन्होंने इतनी पढ़ाई करी थी। भाई, एक कुछ अच्छे दिन आएंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं था। और एचएसएससी कुछ सही ढंग से कर देती तो शायद ऐसा देखने को ना मिलता दोस्तों, लेकिन ये एचएसएससी है, पता नहीं कब मानेगी। अब दोस्तों, बहुत सारे साथियों के मैसेज मेरे ये आ रहे हैं मेरे पास कि ताऊजी, वेटिंग लिस्ट भी लगेगी क्या? तो इस भर्ती की वेटिंग लिस्ट लगेगी भाई, इस भर्ती की वेटिंग लिस्ट लगेगी। जी हाँ, वेटिंग लिस्ट लगेगी इस भर्ती की, और पूरे पूरे चांसेस हैं वेटिंग लिस्ट क्लियर भी होगी। वेटिंग लिस्ट लगेगी भी, बच्चों के नाम आएंगे वेटिंग लिस्ट के लिए भी, और वो क्लियर भी होगी विधानसभा से पहले पहले, ठीक है। और अभी दोस्तों 3,500 क्या है, 3,500 बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग है, तो वो रिजल्ट आपका कोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड करता है। जो कोर्ट केस चल रहा है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 5 नंबर वाला मामला क्या होता है, ठीक है। तो अभी 3,500 बच्चों का और भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। जो बिल्कुल बॉर्डर पर है ना, उनके लिए ये अपडेट है कि भाई 3,500 बच्चों में आपका नाम हो सकता है। फिर दोस्तों, उसके बाद वेटिंग लिस्ट भी दोस्तों लगेगी, क्या है, वेटिंग लिस्ट भी आपकी लगेगी। अब वेटिंग लिस्ट लगेगी कब दोस्तों? पहले ये आपका मामला क्लियर किया जाएगा, पहले ये मामला क्लियर किया जाएगा, और जब ये क्लियर होगा ना, तब वेटिंग लिस्ट इसके साथ जुड़ के आएगी जी। जब इन 3,500 बच्चों का रिजल्ट आएगा, तब वेटिंग लिस्ट साथ में आएगी, ठीक है। वेटिंग लिस्ट आएगी आपकी, और 1-2 नंबर है वो आपके डाउन वहां पे रहने वाली है। अब दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि भाई 5,000+ बच्चे, 5,000+ बच्चे हरियाणा में 80+ स्कोर के इस सीईटी ग्रुप डी के एग्जाम में होना मुश्किल है, कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज भेज रहे हैं, अपना अपना सुझाव, अपना अपना अनुभव शेयर करें ताऊ जी की 5,000+ बच्चे 80 नंबर से ज्यादा वाले ग्रुप डी के अंदर सीईटी में चाड़ा पैट दिया। तो ऐसा कह रहे बच्चे कि हो सकता है सीटर बैठा रखे हो, भाई साहब कुछ भी बैठा रखे हो, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। आप अपने लिए प्रयास करो जिस लेवल पे, यदि आपके पास प्रूफ है तो उस चीज पे एक्शन लो, नहीं तो दोस्तों आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब मैंने बताया भाई, आपके कट ऑफ से ज्यादा नंबर है तो आप एचएसएससी ऑफिस में पहुंचिए, लिखित में एप्लीकेशन दे के आइए, एक्शन लीजिए। यदि आपके नंबर कम ही है तो अब कुछ भी करने का वो नहीं है, अब तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि इनमें से भी सीट खाली रहेगी और अगला जो सीटी होगा जुलाई अगस्त के अंदर, उसके अंदर आपकी 40,000+ भर्तियां आएगी। भर्तियां आपकी विधानसभा के इलेक्शन के बाद होगी, विधानसभा से पहले आपका सीटी का पेपर होगा। क्या होगा? सीटी का पेपर होगा। तो जो बच्चे इस बार बे बॉर्डर पे रह गए या 2-4 नंबर से रह गए, वो हार
मान के मत बैठ जाना, बल्कि उनको आगे बढ़ना है। वे दो चार नंबर से इस बार रहे हैं, अगली बार 10 नंबर सिलेक्शन जोन से कट ऑफ से ज्यादा लेके आएंगे, ठीक है। तो भाई आपको आगे बढ़ना है और वेटिंग लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट लगेगी, कंफर्म लगेगी, लेकिन वो जब 5 नंबर वाला मामला निपट जाएगा, इन 3,500 बच्चों का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आपकी वो लिस्ट लगाई जाएगी, ठीक है जी। तो और आगे आप बढ़िए, आज से ही, अब रुकना नहीं है। देखिए आप, आपके आस पड़ोस में बच्चे लगे हुए मिलेंगे, आपके गांव में, मेरे गांव में भी ऐसे बच्चे लगे हैं, स्पोर्ट्स से थे वो, इसलिए सिलेक्शन हो गया, बाकी मुझे और ज्यादा बातचीत अभी सुनाई नहीं दी गांव में, ठीक है ना। तो आप भी पढ़िए, पढ़ाई के अलावा दोस्तों, ठीक है। आज भाई आपके नंबर 5 नंबर से आप रह गए, 2 नंबर से रह गए, कोई बात नहीं है, अगला एग्जाम फिर होगा, अगला मौका आपको दिया जाएगा, उस मौके में आपको चौका मारना है, उस मौके में आपको छक्का मारना है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, एक एग्जाम था, एग्जाम में दोस्तों पास भी होते हैं, फेल भी होते हैं, ठीक है जी। और जिनका भाई सिलेक्शन हो गया है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, ये मेरा नंबर है, आपको कुछ पूछना है आगे ताऊ जी क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, हमें क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पे आपको हरियाणा की, दिल्ली की, राजस्थान की, यूपी की, ठीक है ना, इन सभी की, पंजाब की, इन राज्यों में आपको जॉब कैसे मिल सकती है, कौन कौन सी भर्तियां अभी आने वाली है, इन सभी की अपडेट टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पेज पर आपको दी जाएगी, व्हाट्सएप पर भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आप कनेक्ट हो जाइए। भर्तियां होंगी दोस्तों, पंजाब के अंदर बहुत सारी भर्तियां 2 साल के अंदर दी गई है, 50,000 प्लस भर्तियां अभी 2 साल में पंजाब में दी गई है, वहां पे आप भी लग सकते हो दोस्तों। वो क्या तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा, आप व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहां भी आप जुड़ सकते हैं आप जुड़े रहिए दोस्तों, और मेहनत करते रहिए, कोई बात नहीं, इस बार आपका मेहनत का परिणाम थोड़ा सा कम रहा, अगली बार थोड़ी और मेहनत कीजिए, अगली बार पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।